गुड मॉर्निंग बच्चों बेटा, आज हम समझेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो देखे बेटा, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत के भाष धातु से होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है, जिसका की अर्थ होता है, व्यक्तवाणी, जिसका की अर्थ होता है व्यक्तवाणी, बोलना और कहना। व्यक्तवाणी, बोलना और कहना। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जब अपने मन के भावों और विचारों को जिस माध्यम के द्वारा व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाती है। हम अपने मन के भावों और विचारों को तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है बेटा मौखिक भाषा। दूसरे नंबर पे आती है लिखित भाषा। और तीसरे नंबर पे आती है बेटा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, तो ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का है यह रूप अस्थाई होता है। भाषा का यह रूप अस्थाई होता है और यह मनुष्य को सामाजिक वातावरण से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है सबसे अधिक दैनिक जीवन में सबसे अधिक
इसी भाषा का प्रयोग होता है, दैनिक जीवन में सबसे अधिक इसी भाषा का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं बेटा अपन लिखित भाषा, दूसरे नंबर पर देख रहे हैं बेटा अपन लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है, और समाज इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपता है, इस रूप को भाषा के इस रूप को कहीं भी कभी भी देखा पढ़ा और ले जाया जा सकता है, लिखित भाषा को ही लिपि कहा जाता है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब हम समझेंगे बेटा देवनागरी लिपि है। भारत और विश्व में हिंदी, अंग्रेजी उर्दू, स्पेनिश, जापानी, फ्रेंच, मंचूरियन अरबी, फारसी आदि भाषा का इस्तेमाल होता प्रयोग किया जाता है भारत में मुख्य रूप से
ये भारत और विश्व की प्रमुख भाषा है। अब भारत में मुख्य रूप से कौन सी भाषा, भारत में मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आदि भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी भाषा जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम अपने मन के भावों और विचारों को जब हम अपने मन के भाव और विचारों को केवल संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, केवल संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ऐसी भाषा सांकेतिक भाषा कही जाती है। ऐसी भाषा सांकेतिक भाषा कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास कहीं जो है वो दवा खाना है, या इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं भैया ये रेड कलर का चिन्ह है, इस प्रकार की खोपड़ी ने, इस प्रकार की हड्डी का चिन्ह जो लगा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास कहीं खतरा है। या फिर अपन दैनिक जीवन में देखते हैं यहाँ रेड लाइट है या येलो लाइट है और यहाँ पर ग्रीन लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल पर वहां पर कोई कहने वाला नहीं रहता है, हम क्या करते हैं इन संकेतों को देखते हैं और ऑटोमेटिक रुक जाते हैं और फिर जो है वो आगे, रेड लाइट रहती है जो रुकने का संकेत देती है, येलो लाइट रहती है जो आपको संकेत करती है कि आप चलने के लिए तैयार हैं, और जैसे ग्रीन लाइट आती है जो हम क्या करते हैं चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर इस प्रकार का लिखा रहता है आगे जाकर, सबसे ज्यादा इन संकेतों का प्रयोग जो है ड्राइवर जो ड्राइव गाड़ी ड्राइव करता है उनके लिए जो है इस प्रकार के चिन्हों का सबसे अधिक जो है वो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इन भाषाओं का जो है वो क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। अब हम समझेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रामर, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम अपन ग्रामर बोलते हैं, वह विद्या जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण में भाषा संबंधी व्याकरण में भाषा संबंधी नियम होते हैं, भाषा संबंधी नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा हमें उस भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उस भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है।
प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। हम व्याकरण को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। हम व्याकरण को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? हम व्याकरण को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। व्याकरण के भेद वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है बेटा? वर्ण। ये वर्ण का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं बेटा अपन। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। फिर यहां पर देखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अनुस्वार। अनुनासिक और यहां पे आता है अह, जिसको बोलते हैं बेटा अपन विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? वे ध्वनियां या वे ध्वनि जिनका उच्चारण केवल नाक के द्वारा किया जाता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल नाक के द्वारा किया जाता है। नाक के द्वारा किया जाता है एवं इसके पहले, एवं इसके पहले स्वर का आना आवश्यक है। स्वर का आना आवश्यक होता है, अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार कहलाती है। जैसे जिसे कंघा, रंग, चंचल, डंडा इत्यादि। अब ये अनुस्वार, अब अनुनासिक। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के ही द्वारा, दोनों के ही द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा ही किया जाता है, अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं, कहलाती हैं। अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है।
इसी ध्वनि के पहले, इसमें भी पहले स्वर का होना आवश्यक होता है, स्वर का होना आवश्यक होता है। जैसे हस आंगन, मां चांद, मुह इत्यादि। ये बेटा आपको अनुस्वार भी समझ में आ गया होगा, अनुनासिक भी समझ में आ गया हो। अब अपन समझ रहे हैं बेटा विसर्ग, इसको विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं, इसका उच्चारण भी, इसका उच्चारण भी अनुस्वार की तरह ही होता है। इसका उच्चारण भी अनुस्वार की तरह ही होता है। इसका प्रयोग प्रायः व्यंजन के बाद ही किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग, लगातार कम होता जा रहा है, प्रायः तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रायः, अतः, स्वतः आदि। स्वर अनुनासिक आपको और विशेष समझ में आ गया है। अब अपन बेटा समझेंगे व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या तैतीस मानी गई है और चार व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त का मतलब होता है दो व्यंजनों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। वो चार कौन से हैं देखते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चार व्यंजन हैं। अब जिसे अपन यहाँ पर देखते हैं व्यंजन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न। पर इस प्रकार ये अपन व्यंजन देख रहे हैं, लेकिन व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो हमारे मुंह से निकल रहा है लास्ट वर्ड क्या निकल रहा है, लास्ट ध्वनि क्या निकल रही है, अ। या हमने बोला का, तो अपन देखते हैं क प्लस आ, का, की,
तो अपन देख रहे हैं क प्लस ई, ये बेटा मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और मैंने बोला चार प्रकार के जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, श श बेटा मिलकर बनता है क और श से, त्र बनता है बेटा त और र से, ये बनता है बेटा ज और न से, और श बनता है बेटा स और र से। तो बेटा आपको स्वर भी समझ में आ गया है, व्यंजन भी समझ में आ चुका है। अब अपन बेटा समझेंगे, अब हम समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, समझेंगे बड़ा शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का एक अर्थ होता है, शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे जहाज, महल, किताब, जहाज, महल, किताब, महल, घर आदि। अब बेटा अपन समझेंगे व्याकरण के तीसरे भाग को, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। या फिर शब्दों के सार्थक वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है, वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है, जैसे सुधीर स्कूल जाता है, सुधीर स्कूल जाता है, मम्मी खाना बनाती है। ठीक है, ये हमारे हो गए बेटा वर्ण। वर्ण को हमने वर्ण को भी दो भागों में बांटा गया था, स्वर समझे अपन ने, व्यंजन समझे। स्वर को अपन ने देखा था, स्वरों की संख्या 11 होती है, उसमें फिर अपन ने अनुस्वार समझा, अनुनासिक समझा, विसर्ग समझा, व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, और चार संयुक्त जो व्यंजन है श श त्र ज्ञ और श, ये चार व्यंजन को भी अपन ने समझा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा समझी, शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी अपन ने समझा। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, ये अपन ने समझ लिया बेटा वाक्य। अब वाक्य को फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वाक्य को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पर आता है बेटा उद्देश्य, और दूसरे नंबर पर आता है बेटा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। किसी वाक्य में वस्तु के विषय में, किसी वाक्य में वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है, किसी वाक्य में वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। किसी वाक्य में वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब दूसरा समझेंगे बेटा अपन विधेय। विधेय किसे कहते हैं, तो किसी
उद्देश्य में, सॉरी किसी वाक्य में, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहां अपन देखते हैं, राम ने रावण को मारा, सुधीर बस से आगरा गया, तो इसमें अब इन दोनों वाक्यों में यदि हम समझें तो अपन देखेंगे राम उद्देश्य, अभी इसमें आपसे बोला जाए कि इसमें उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए, अब इसमें अपन देखेंगे राम ने रावण को मारा, तो इसमें वो पहला वाक्य था उद्देश्य किसी वाक्य में वस्तु के विषय में, तो यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है, तो राम के समय राम क्या आ जाएगा, राम उद्देश्य आ जाएगा, राम ने क्या काम करा, रावण विधेय आएगा, मारा भी जो है वो विधेय आएगा। फिर अगला है सुधीर बस से आगरा गया, उद्देश्य क्या है, सुधीर बस विधेय, आगरा विधेय, गया विधेय, या फिर अपन यहां पर देखते हैं शालिनी पानी पीती है, इस वाक्य में यदि आपसे फिर से बोला जाए कि उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए, तो यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है, शालिनी के बारे में कहा जा रहा है। एवढा उद्देश्य और विधेय नहीं समझ में आए तो उसको एक दूसरे रूप में समझ सकते हैं, कर्ता और क्रिया, जो व्यक्ति कार्य करे उसे बोलते अपन कर्ता या फिर उसे बोलते हैं उद्देश्य, और जो वो काम करे उसे बोलते हैं क्रिया या फिर बोलते हैं विधेय। यहां पर क्या आ जाएगा, शालिनी क्या जाएगी, उद्देश्य आ जाएगा, पानी विधेय, पीति विधेय। तो बेटा अपन इतना जो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है बेटा, इसके आगे का जो है हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझने के लिए, रचना के आधार पर या फिर वाक्य के आधार पर भेद समझने के लिए अपन इसको कल समझेंगे, ठीक है बेटा।